मेरा बच्चा 60 साल से गायब है, कोई आता पता नहीं है, ना उसका फोन है ना और है, मैं परेशान हाँ। और दुबई गया था, दुबई से अभी तक कोई समझा नहीं उसका, आप उससे पता लगाओ, मेहरबानी करके आप हमारी मदद करो। 2 साल से 60 साल से गए गए, अभी तक तो उसका फोन समझा कुछ भी नहीं है, आप हमारी मदद करो। पूरे घर के परेशान हैं, माँ बाप परेशान है, सब पूरे परेशान हैं। मैं उसका वालिद बोल रहा हूँ, दुबई गए हुए 7-8 साल हो गए, उसका फ़ोन समझा नहीं आता, कभी भी ना फोन आता है, कहाँ आता नहीं, आप उसका पता लगाओ क्या, मेहरबानी करके आप ये उसका पता लगाना जरूरी है। तेज बोलो मेरे, हैं तेज बोलो मेरे, और बोलो और पता लगाओ उसका। 7-8 साल हो गए गए हुए उसको, अभी तक 7-8 साल में उसका फ़ोन समझ, कोई फ़ोन नहीं है, कोई कॉल नहीं है, कोई समझा नहीं है। उसका वीजा पड़ा, कॉपी है हमारे पास, फोटो हमारी है, हम डीरुणा के रहने वाले हैं, नागौर जिला के रहने वाले हैं, नागौर जिला के रहने वाले हैं, डीरुणा नाम है मेरा, डीरुणा नाम गांव है मेरा, और बाबू मेरा नाम है। अब जल्दी से जल्दी आप उसका पता लगा के भेजो, ठीक है। नमस्कार साथियों, जी हाँ, ये थे मोहम्मद खालिद के फादर अब्दुल रहमान। जी हाँ, इनका बच्चा बता दूं, 2 जनवरी 2016 का वीज़ा आया हुआ है, आप देख सकते हैं साइड में, और ट्रांसगार्ड LLC कंपनी थी, उसमें ये बंदा गया था 2016 में, और आज 6 साल हो गए हैं, इस बंदे का कोई अता पता नहीं है। जी हाँ, अब आप लोग इनका कितना सपोर्ट करोगे भाई, दुबई में देखिए, दुबई में इंडिया की बहुत सारे लोग रहते हैं, आपको सबको पता है, लाखों की संख्या में है, और ट्रांसगार्ड कंपनी भी बहुत बड़ी है, लाख के ऊपर मेरे हिसाब से वर्कर पहले रहते थे, अब का नहीं मुझे पता। तो आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा, हाथ जोड़ के इनकी तरफ से, इनका इकलौता बेटा है जो 2016 में पता नहीं किस एजेंट के थ्रू ये गया था, और आज तक ये बंदा वापस नहीं लौटा है, नहीं इसने कोई फीस पैसा भेजा, नहीं इनका कोई संपर्क है कि ये, नहीं इसने कोई फोन किया। अब क्या दुर्घटना हुई, क्या नहीं हुई, क्या कैसे, क्या डिटेल है इसका, तो भैया वो खुद मिले तो पता लगे। अब रियल सिचुएशन आप लोगों को मैंने फोटो और ये वीडियो दिखाने का मकसद ये था कि आप लोग प्लीज इसको शेयर करके या कैसे भी ट्राई करके जरूर पता लगाएं। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है, इनके फादर के मैं नंबर भी नीचे डाल रहा हूं, इस नंबर पे अगर आपके पास कोई सूचना होती है तो कॉल करें, और मेहरबानी ये रहेगी कि फालतू के कॉल ना करें, क्योंकि ये वीडियो हजारों लोग देखते हैं, सब लोग कॉल करने लग जाएंगे तो ये बेचारे तो फोन नहीं उठा पाएंगे सबके, तो रिक्वेस्ट है फालतू क्वेश्चन करना नहीं है, इनका क्या कैसे हुआ क्या हुआ वो तो सब बातें मैंने बता दी आपको। अगर इनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलती है या इस बंदे को कहीं आपने देखा है तो आप प्लीज जरूर इनके नंबर पर कॉन्टेक्ट करें, इनको सपोर्ट करें और वीडियो को वायरल करें, और हो सकता है ट्रांसगार्ड में ये बंदा गया था उसी से रिलेटेड, तो ट्रांसगार्ड में खास तौर से बहुत सारी पब्लिक इंडिया की रहती है, तो अगर आपको इस बंदे को कभी आपने देखा हो तो बिल्कुल इनके घर वालों को जरूर बताएं, या आप मुझे भी बता सकते हैं, ताकि इनका बच्चा अगर इस दुनिया में है तो उसको हम वापस घर लाने में सपोर्ट कर सकें, क्योंकि आपके सहयोग से इस चैनल के माध्यम से काफी लोगों को सपोर्ट मिला है, चाहे जिनकी डेड बॉडी आनी हो, चाहे वहां पर किसी को सपोर्ट कोई फंस गया हो, या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम है, मैंने समय समय पर वीडियो बनाए हैं और उन लोगों का सपोर्ट पॉजिटिव आया है। उम्मीद करूंगा कि ये जो अब्दुल रहमान जी हैं, इनका बच्चा अगर मिल जाए अपने सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों के सपोर्ट से, तो इससे बड़ी और मुझे नहीं लगता कोई कर्म होगा, कोई धर्म होगा। जी हां, तो रिक्वेस्ट आपसे ये कि पूरा सपोर्ट करिए। दुबई ट्रांसगार्ड का ये बंदा गया था इंडिया में, ट्रांसगार्ड का वीजा है, इसका पासपोर्ट की कॉपी है, इसका फोटो आप देख सकते हैं। जी हां, और अगर आप कोई एनजीओ चलाते हैं, ये वीडियो आपके सामने आता है, तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद अपने स्तर पर इसका पता लगाएं, क्योंकि इसके फादर के नंबर मैं दे रहा हूं, और डिटेल अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं पता लगाने में तो इसके इनके फादर से कांटेक्ट नंबर पे संपर्क करके, क्योंकि बूढ़े हैं भाई, इनको इतना नहीं पता, लेकिन आप कॉल करके कुछ पूछेंगे तो ये जरूर आपको बताएंगे। तो उम्मीद करूंगा कि इनका जैसे ये वीडियो वायरल हो, तो लगभग मैं उम्मीद करता हूं कि रिजल्ट आएगा और पॉजिटिव आएगा। अगर इनका बच्चा इस दुनिया में है तो मैं कोशिश करूंगा, और आप भी कोशिश करिए कि इनका बच्चा जाए। अगर ऐसी सिचुएशन किसी और लोगों के साथ भी है तो भाई हमारी जितनी हेल्प होगी, हमारा जितना इन चीज़ों के भाई हम पैसे नहीं लेते, सीधी बता दूं मैं, इन चीज़ों का कोई फीस नहीं होती, फ्री ऑफ सेवा कॉस्ट हम सेवा करने की कोशिश करते हैं आप लोगों के सपोर्ट से। अगर ऐसी घटना और भी किसी के साथ में हुई है तो बिल्कुल वो कॉन्टेक्ट हमसे कर सकते हैं, जैसी भी हमारी हेल्प होगी हम करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे आपके सहयोग से। जी हाँ, और भाई लास्ट में एक बात बता दूँ, मैन पावर ऑफिस से जाएंगे तो आपका अगर ऐसी सिचुएशन, मुझे जहाँ तक लगता है ये मैन पावर ऑफिस से नहीं गया, और इनके परिवार वाले बेचारे अनपढ़ हैं, इनको खुद को नहीं पता कैसे करना है क्या करना है,
देखिए मैन पावर ऑफिस जाते हैं तो पूरी गारंटी 2 साल का वर्क परमिट होता है। 2 साल के दौरान कुछ भी उनके साथ घटना होती है तो 100% गारंटी मैन पावर ऑफिस की होती है। ये इंडियन जो अपनी इंडियन एम्बेसी मान लो या विदेश मंत्रालय मान लो उनके जो लाइसेंस लेते हैं ना उसमें ये बातें मेंशन की हुई हैं कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी मैन पावर ऑफिस वाले की होगी। वहाँ पर उनको कोई दिक्कत होती है, कोई कंपनी प्रॉब्लम करती है, उनके अग्रीमेंट में उनके साथ कुछ हादसा हो जाता है, डेथ हो जाती है, बीमार हो जाता है, मुआवजे की बात हो, टोटल की टोटल मैन पावर ऑफिस से आप जिस ऑफिस से जाते हैं उनसे भी संपर्क करें, वो आपका पूरा सहयोग करेंगे। सहयोग करना उनकी जिम्मेदारी बनती है। जी हाँ, क्योंकि आप उनके द्वारा दूसरे देश में जॉब के लिए गए हो लीगल तरीके से। आप मैन पावर ऑफिस से नहीं जाओगे तो भाई आपके साथ प्रॉब्लम, आपका कोई, हमारे राजस्थान में बोलते हैं ना कोई धनी धोरी नहीं है, समझ गए, आपको आपका कोई नहीं है भाई। ये फर्जी एजेंट होते हैं जो विजिट वीजा देकर आपको भेज देते हैं, आप फंस जाते हैं, एजेंट गायब हो जाते हैं और आप यहाँ लटकते फिरते हैं। जैसे इनके बूढ़े बाबा अभी अब्दुल रहमान जी, अभी इनकी स्थिति सेम सेम है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, वीडियो को वायरल कीजिए। और आपके साथ अगर इस बंदे की कोई रिपोर्ट आती है तो आप जरूर इनके फादर के नंबर हैं, इनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा जल्दी आप पॉजिटिव आंसर देंगे। जय हिंद, जय भारत।